दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। देखिए दोस्तों, हमारा जो एनडीटीवी इंडिया है दोस्तों, उसमें आज खबर आई है दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है आप सभी के लिए। ये आपकी खबर दोस्तों आई है, जो कि आपको बताया गया है एनटीपीसी के बारे में, आपकी परीक्षा के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आरआरबी एनटीपीसी कब होगी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा, आरआरबी ने अधिकारी ने दी अहम जानकारी। दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ये वीडियो पूरे में फैला दो दोस्तों, सभी लोग को शेयर कर दो, जैसे कि दोस्तों उन्हें जानकारी हो जाए। देखिए यहाँ बताया गया है आपकी परीक्षा के बारे में दोस्तों, एनटीपीसी के बारे में। देखिए यहाँ बोला गया है, नई दिल्ली आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में एनटीपीसी के 35,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ होनी हैं। उम्मीदवार भर्ती परीक्षा की तारीख आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों का इंतजार जनवरी में खत्म हो सकता है। दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको एक बहुत ही बड़ी जानकारी मिल रही है कि आपके दोस्तों एग्जाम है वो आपके यहाँ पर जनवरी में स्टार्ट हो सकते हैं दोस्तों, इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे बताया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी खबर बातचीत से यहाँ पर कहा है बातचीत में कि रेलवे भर्ती परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए एक एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया में है रेलवे दोस्तों, और यहाँ पर रेलवे आरआरबी एजेंसी की नियुक्ति के लिए ओपन टेंडर निकालेगा। ठीक है, और कमेटी ने नियुक्ता के संबंध में सुझाव दिए हैं कि अब अकाउंट्स से अप्रूवल के बाद एमएस को अप्रूवल के लिए फाइनल भेजी जाएगी। ठीक है, और ये सारी प्रक्रियाएं दिसंबर में पूरी हो जाएंगी। आपके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है कि ये प्रक्रियाएं अगर आपकी दिसंबर में खत्म हो जाती हैं दोस्तों, तो आपका फिर एग्जाम यहाँ पर जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और वो भी एनटीपीसी का एग्जाम होगा जनवरी से स्टार्ट। तो दोस्तों उसके लिए 2 माह तो लगेंगे ही लगेंगे, ये बात आप जानते भी हैं दोस्तों। इसलिए ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों बहुत अच्छी खबर है, और एनटीपीसी वालों के लिए दोस्तों अच्छी खबर ये है कि उनका एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसके 2 या 3 महीने बाद दोस्तों आपका ग्रुप डी एग्जाम चालू हो पाएगा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा समय है, एनटीपीसी वालों के लिए भी अच्छा समय है, और दोस्तों ग्रुप डी वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। ठीक है, आगे कहा गया है, उन्होंने कहा दिसंबर में ऐसी एजेंसी की नियुक्ति होते ही हम जल्द से जल्द एनटीपीसी और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तारीख जारी करेंगे। मतलब दोस्तों यहाँ पर जल्द से जल्द मतलब और कोई परीक्षा रेलवे की है नहीं है, एनटीपीसी है, उसके बाद ग्रुप डी है दोस्तों, तो उसके बाद आपकी ग्रुप डी की यहाँ पर तारीख जारी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी भर्ती परीक्षा में देरी हो, दोस्तों रेलवे कह रहा है कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए देरी हो रही है क्योंकि आपके पास यहाँ पर एजेंसी नहीं है जो आपकी परीक्षा कराएगी। रेलवे को यहाँ पर बताया गया है, रेलवे को वर्क फोर्स की जरूरत है। ठीक है, ऐसे में परीक्षा अगले साल आयोजित की जाएगी और जनवरी में परीक्षा की तारीख जारी होने की उम्मीद है। बता दें कि मीडिया में चल रही कुछ खबरों में कहा जा रहा है कि एनटीपीसी परीक्षा का एडमिट कार्ड यहाँ पर जल्द जारी होगा, जो कि सिर्फ अफवाह है। ठीक है दोस्तों, आपके अभी एडमिट कार्ड कहीं भी नहीं आए हैं, और दोस्तों जनवरी से पहले आने की संभावना भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बोर्ड अभी एजेंसी की नियुक्ति में प्रक्रिया में है, और ये प्रक्रिया अभी पूरी होने के बाद परीक्षा की तारीख आएगी। ठीक है, जब दोस्तों आपके यहाँ पर आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी रेलवे की, जो कि उसकी एजेंसी नियुक्त करने की है दोस्तों, उसके बाद ही आपकी यहाँ पर एग्जाम डेट आपकी आएगी। ठीक है, एजेंसी की नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद रेलवे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तारीख आएगी। परीक्षा की तारीख आने के बाद उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्र और शिफ्ट डिटेल की जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद परीक्षा के 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड करने का आपको जैसा कि दोस्तों प्रोसेस होता है रेलवे का, वैसा ही आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लिए और यहाँ पर इम्पोर्टेंट खबर नहीं है कोई भी, सबसे पहले आपके लिए वही इंपॉर्टेंट खबर है कि आपके पास दोस्तों अभी भी बहुत समय है। ग्रुप डी परीक्षा दोस्तों आपकी यहाँ पर है वो फरवरी मार्च में, आप उसके बाद ही दोस्तों आयोजित होगी, और आपकी एनटीपीसी दोस्तों परीक्षा यहाँ पर कहा गया है कि वो जनवरी में दोस्तों आयोजित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खबर है, इस वीडियो को दोस्तों पूरे में फैला दीजिए, सब शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे कि दोस्तों सभी सभी लोगों को यहाँ पर फायदा मिल जाए, और दोस्तों उनके सही जानकारी पहुँच जाए कि आपका एग्जाम दोस्तों जनवरी में होने वाला है, जिससे कि आप लोग पढ़ो अच्छे से। ठीक है, जिससे कि अच्छे नंबर आएँ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।